हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंडिया टू टैरो रीडर में फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस कैंडल वैक्स रीडिंग का जो थीम है, जो मुझे यहाँ पर चैनल हो रहा है, यहाँ इसका जिसे बोला जा रहा है कि आपकी तरफ जो भी आ रहा है उसे सिर्फ रिसीव करना है आपको। ओके, जो ये यूनिवर्स, डेफिनेटली ये यूनिवर्स मैसेज ही होंगे कि यूनिवर्स आपको, मतलब आपका जो उद्देश्य है, आपका जो पर्पस है, उसकी तरफ आप बढ़ रहे हो। जैसे आप अपना उद्देश्य, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ चीज़ों को आप समझना चाहते हो आपके उद्देश्य से रिलेटेड। ओके, तो यूनिवर्स जैसे उससे रिलेटेड आपको कुछ यहाँ पर बताना चाहते हैं। किसी किसी के लिए हो सकता है मैसेज हो, और ये एक यूनिवर्स आपके लिए साइन, इन सब चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा उनसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मेरी रीडिंग आज इसी के इर्द गिर्द यहाँ पर घूमने वाली है, क्योंकि मैं जो फील कर रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, वही मैसेजेस मैं आपको देना चाहती हूँ। ओके, और यूनिवर्स यहाँ पर आपको कुछ भी, मतलब जो भी आ रहा है उसे सिर्फ आपको पीस से, शांति से सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, और बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको शायद आपकी लाइफ में, जैसे कहते हैं ना कि मतलब होते होते रुक जाना। ठीक है, तो ये क्या, मतलब जैसे कहते हैं ना कि बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपको बस यही आ रहा है कि क्या आपको बताना, मतलब अभी सुनना ज़रूरी है। ओके, और आज मैंने यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे इस चीज़ को भी काफ़ी मैंने सोचा, विचार करा वहाँ पर, तो इस चीज़ को मुझे क्लियरिटी की ज़रूरत है, काफ़ी मतलब डेथ में जाने की ज़रूरत है थोड़ा सा, और उसको मैं जहाँ तक मेरी इंट्यूशन जाएगी, ओके, वहाँ तक मैं फॉलो करूँगी। इसी वजह से मैंने यहाँ पर आज दो पायल यहाँ पर मतलब रखी हुई हैं, तो इसमें से आपको एक चूज़ करना है। ठीक है, एक चूज़ करने की यहाँ पर ज़रूरत है, मैं आपको बता दूंगी। ये है पायल नंबर 1। ओके, ये लेमन कलर है पायल नंबर 1, एंड ये है पायल नंबर 2 ऑरेंज, पायल नंबर 2। ठीक है, तो इसमें से आपको एक चूज करना है, ये है पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। ठीक है, आई होप आपने चूज कर लिया होगा। वीडियो को पॉज भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसका टाइम स्पेंड मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर पायल नंबर 1 की रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। बिल्कुल बहुत ज़्यादा आपको किसी भी तरह का अपने ऊपर, बस यहाँ पर बोला जा रहा है विश्वास। ठीक है, पहला मैसेज मुझे आपके लिए यहाँ पर यही आया कि विश्वास करना है यहाँ पर, फेथ। ओके, बिल्कुल पीस में रखो, आप अपने आप को शांति में रखो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। काली माँ, ओ गॉड, पायल नंबर 1, सबसे पहला मैसेज मुझे यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि यूनिवर्स यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं कि आप किसी के साथ मर्ज हो रहे हो। ठीक है, मर्ज हो रहे हो यहाँ पर, जिससे रियूनियन की ऊर्जा है आपके लिए। ओके, न्यू ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। काली माँ यहाँ पर आपके ऊपर, क्योंकि यूनिवर्स क्या है, ब्रह्मांड क्या है, ये भोलेनाथ है ना, भोलेनाथ, शिव शक्ति और काली माँ, तो आपके ऊपर पायल नंबर 1 काली माँ की असीम कृपा आपके ऊपर है यहाँ पर। और यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि इस ब्लेसिंग्स को आप, मतलब यहाँ पर नित्य रोज आप महसूस करोगे इन ब्लेसिंग्स को। ठीक है, और काली माँ से जिसे आपका जो रिलेशन रहेगा यहाँ पर,
मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो काफ़ी काफ़ी पुराना है। तो इस ये रिलेशन में जैसे आप अपने आप को शायद कहीं दूर दूर का समझ रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर वो भी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी कि काली माँ के साथ आपका क्या रिलेशन है। काफ़ी चुप चुप रहते हो, सहमे सहमे से रहते हो, गुमसुम रहते हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी चीज़ को यहाँ पर आप गुमसुम होने से, क्योंकि यहाँ पर एक इमेज बन गई है, ठीक है, जैसे ये बहुत सर झुकाए हुआ बैठा हुआ है, तो आपका मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी जो सोल है किसी चीज़ को वो ढूंढ रही है, तलाश कर रही है। तो काली माँ आपको यहाँ पर ये विश्वास दिला रही है कि अब आपकी ज़िंदगी में एक मतलब यहाँ पर वो समय आ रहा है कि जहाँ पर आपकी जो सोल का उद्देश्य है उसकी तरफ आपको ले जाया जाएगा, ठीक है। बहुत चीज़ों को आपको लेट गो करने की ज़रूरत थी, रिलीज़ करने की ज़रूरत थी, वो आप कर चुके हो, रिलीज़ भी कर चुके हो, लेट गो भी यहाँ पर कर चुके हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे ईगल भी नज़र आया। तो काफ़ी टाइम से आप अपने जैसे आपका जो उद्देश्य है बस उसी के ऊपर आपने फोकस लगा रखा है, तो वो आपका जैसे वो उद्देश्य की तरफ आप फाइनली अब आप बढ़ने वाले हो। अभी भी कभी कभी शायद आप दिल पे किसी बात को ले लेते हो, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको किसी भी तरह से काली माँ यहाँ पर मना कर रही है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन मार्क जैसी ऊर्जा है यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन मार्क है आपकी लाइफ में वो सब यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं, उन सब चीज़ों से आप अपने ऊपर को लेकर जाओगे, आपके कदम आगे जाएंगे तो आपको पीछे लेने की जरूरत नहीं है, कदम को सिर्फ आगे ही बढ़ना है। आपके लिए बोला जा रहा है कि जरूरत के हिसाब से ही आपको चीजों को लेने की जरूरत है, चाहे वो आपका कुछ भी हो, घर का काम हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि आपाधापी भगदड़ इन सब चीज़ों में नहीं रहना है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जितना जितना आपकी यहाँ पर कर सकते हो, किसी जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपको वर्क करने की ज़रूरत है। आप यहाँ पर ट्रैवलिंग कहीं जाने का मौका मिलेगा आपको, कहीं ट्रैवलिंग करोगे जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, तो बिल्कुल वहाँ पर आपको काली माँ एक ऐसी जगह, एक ऐसे प्लेस पर ले जा रही है जहाँ पर आपका उद्देश्य शायद आपको वहाँ पर समझ में आएगा। कोई ऐसी जगह आपके लिए निश्चित कर रखी है जहाँ पर आप क्लियरली बहुत कुछ समझ जाओगे। किसी के घर में धनुष बाण रखा हुआ है, जैसे बच्चे हम जब रावण दहन होता है तो बच्चे लेकर आ जाते हैं खिलौने के रूप में, तो वो धनुष बाण जैसे हम बहुत कुछ ऐसे होते हैं, तो वो शायद आपके घर में रखा हुआ है, तो उसे आपको निकालने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा उस धनुष बाण पर आप फोकस करो कि ये क्यों राम जी ने क्यों उठाया था, इससे क्या किया जाता है, उसके साथ थोड़ा सा अपने आप को यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि धनुष बाण यहाँ पर बता रहा है कि आपको मतलब अब रेडी हो, आप तैयार हो एक्शन के लिए, आप अपने उद्देश्य के लिए। आप अपनी आपको बहुत मतलब माइनर माइनर छोटी छोटी चीज़ों में आपने अपने आप को बिजी रख रखा है, लेकिन आपका उद्देश्य बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आपको बहुत कुछ पिक्चर भी बड़ी बनानी है, ठीक है, आपका उद्देश्य बड़ा है तो आपको उस हिसाब से अपने आप को सोचना भी उसी हिसाब से है, ओके। और आपकी आपकी पिक्चर बड़ी है, आप छोटे छोटे कामों में अपनी ऊर्जा मत लगाओ, यहाँ पर बहुत अब आपकी ऊर्जा को जैसे आप व्यवस्थित तरीके से सही जगह आप लगा रहे हो। अब किसी का आपको अगर कोई कहना आए कि ये आपके बस की नहीं है, आप इस काम को नहीं कर सकते हो, ये बहुत बड़ी चीज है, तो उसके ऊपर बिलीव विश्वास आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका आपका रूट चक्रा हील है, आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, वो काली माँ ने आपका हील कर दिया। जैसे आपकी रूट, आपकी जड़ अब स्ट्रांग है, वो फैली हुई है, आपको कोई हिला नहीं सकता, जैसे चट्टान की तरह मैं यहाँ पर आपको देख रही हूँ,
और इसी वजह से आप अपने उद्देश्य की तरफ अब आप यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रहे हो। आप लगातार किसी से माफी मांगते चले आ रहे हो या ओके हाँ यस मुझे फॉरगिवनेस की एनर्जी आ रही। लगातार आप किसी से माफी मांगते चले आ रहे हो या आपने किसी को माफ नहीं करा है, तो काली माँ आपको यहाँ पर बता रही है कि अगर आप किसी से लगातार माफी मांग रहे हो कि मतलब यहाँ पर एक कहते हैं ना कि कोई भी सिचुएशन होती है जैसे वो उसको सॉल्व करना, जैसे हम किसी बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, बात को छोटी ही चीज़ है तो छोटे रूप में ही ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई पर्सन ऐसा है जो आपकी भावनाओं की कदर नहीं कर रहा, आपकी सुन नहीं रहा है, तो काली माँ आपको यहाँ पर बताना चाहती है कि आपको लगातार आप किसी से कुछ पेचअप करने की कोशिश कर रहे हो या कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा वहाँ से दूर हट जाना है, ठीक है। उसके ऊपर अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो। किसी के घर में स्लाइम मशीन है और काफ़ी टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने उस स्लाइम मशीन को शायद ऐसी जगह रख रखा है जहाँ पर आपको थोड़ा सा उसे अलग हटकर रखने की ज़रूरत है। जैसे वो रास्ते में आती है किसी के, तो वो थोड़ा सा आप साइड रखो उसको। मुझे किसी के सर पे क्राउन सस्ता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे काली माँ आपको उस उद्देश्य की तरफ लेकर जा रही है और उसमें आपको बहुत बड़ी सक्सेस सफलता भी मिलेगी। क्राउन यहाँ पर बहुत बड़ी विजय सक्सेस है यहाँ पर। मुझे पता नहीं क्यों अगर आपको नज़र आ रहा है तो प्लीज़ बताना, मुझे यहाँ पर लड्डू गोपाल का सिर्फ फेस नज़र आ रहा है यहाँ पर। ये दो आइज़ हैं, ये मुकुट है, ये उनका मुख है। माय गॉड, बहुत ब्लेस्ड सोल हो यहाँ पर। यस, तो किसी के ऊपर लड्डू गोपाल की भी ब्लेसिंग्स है, ठीक है। आप लड्डू गोपाल को बहुत ज़्यादा अपने दिल से ज़्यादा चाहते हो, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि उनके पीछे आपको ये होश नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। किसी भी चीज़ की आपकी स्पीड कम थी तो आपकी रफ्तार जैसे यहाँ पर अब आपकी बढ़ रही है, वो किसी में भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है आप बोलते हुए शायद अटकते थे या आपको बोलने में प्रॉब्लम थी या बोल नहीं पाते थे या आप अपने शब्दों का सही से रख नहीं पाते थे कि जहाँ जो शब्द होने चाहिए उस वक्त वो बोलना, ठीक है। या कैसे कहते हैं ना कि कोई कोई हमें गलत बोल रहा है तो उसका तुरंत वहाँ पर रिप्लाई करना, उसको तुरंत वहाँ पर जवाब देना, तो ये इस ऊर्जा में यहाँ पर आ रहे हो कि आप तुरंत अगर कोई आपको गलत बोलेगा तो उसको करारा यहाँ पर जवाब देना। और यहाँ पर आपके शब्दों में एक मिठास देख रही हूँ, ओके, आपके गले में एक मिठास देख रही हूँ जो कि आपके उद्देश्य को पूरा करने में, ये सारी चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। जो जो भी आपके उद्देश्य में यहाँ पर आपके आपको हेल्प की ज़रूरत होगी, काली माँ और यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि वो चीज़ें आपको दी जाएंगी। थैंक यू यूनिवर्स। एक मैसेज यहाँ पर ये भी आ रहा है कि अभी तक कुछ चीज़ें आपके घर में बंद हैं, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर उसका खुलने का वक्त आ चुका है। मतलब यहाँ पर बंद से मतलब ये कि आपके घर में, ओके, आपकी घर की जैसे ऊर्जा है ना, आपकी घर की ऊर्जा जो कि बहुत पॉजिटिव, बहुत सौंधी और बहुत आपके घर में ज्ञानवान हो सकते हैं, लेकिन अभी तक शायद मतलब जैसी आपकी ऊर्जा है, आपकी घर की ऊर्जा है, वो मतलब वो सही तरीके से सामने नहीं आई है, ओके, या आप दिखा नहीं पाते। एक होता है ना कि घर भी होता है लेकिन जहाँ बहुत प्रेम होता है, एक दूसरे को सम्मान करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो वो घर घर नहीं हो जाता, वो मंदिर हो जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने घर में इस तरह की ऊर्जा को रखते हो, अपने बच्चों से रिलेटेड, अपने हस्बैंड से, अब हर हर किसी से यहाँ पर,
तो जैसे आपका घर घर नहीं, वो मंदिर जैसा यहाँ पर मैं फील मतलब देख रही हूँ उसको। किसी का आपके उद्देश्य को लेकर शायद हो सकता है प्रचार प्रसार, आप उसकी तरफ यहाँ पर जाओ। ओके, किसी का मतलब यहाँ पर आपके अभी तक उद्देश्य के प्रति कुछ चीज़ें बिगड़ रही थी, आप अपने उद्देश्य तक पहुँचना चाहते थे लेकिन चीज़ें वर्क नहीं कर रही थी, बिगड़ रही थी, लेकिन अब आप देखोगे धीरे धीरे कि जो चीज़ें बिगड़ रही थी पहले वो सुधरेंगी और उसके बाद कुछ नया होगा। यहाँ पर आपकी कोई दो पर्सन आपके उद्देश्य में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है, बहुत हेल्प करने वाले हैं, ये आपके उद्देश्य को एंड तक आपके साथ यहाँ पर लगे रहेंगे। इसमें कोई एक पर्सन आपका कोई घर का कोई बड़ा बुजुर्ग है, ठीक है, यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताएं कि लगातार आपसे कोई झूठ बोलता चला आ रहा है, लगातार कोई झूठ बोलता है चला आ रहा है और आप उनकी बातों पर विश्वास करते चले आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अपने ऊपर विश्वास रखो, किसी दूसरे के ऊपर आपको विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूसरों के ऊपर विश्वास करोगे तो आप अपने उद्देश्य से यहाँ पर भटकोगे, और अपने ऊपर विश्वास करोगे तो आप अपने उद्देश्य को बहुत जल्दी यहाँ पर पूरा करोगे। किसी का बहुत बड़ा खेत है और आप उस खेत में बहुत काम कर रहे हो, बहुत दिल लगा के मन लगा के आप उस खेत को जैसे कहते हैं ना कि सींच रहे हो, तो आप ज़्यादा उसके बारे में सोच विचार मत करो, वो आपका खेत है, किसी दूसरे का खेत नहीं है, ठीक है, उसका जो कुछ भी है आप ही को ही मिलेगा, कहीं और नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके खेत के पीछे किसी का कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो चीज़ें आपको ही मिलेंगी, किसी के दूसरे के हक में या किसी दूसरे के भाग्य में वो नहीं जाने का। थैंक यू। अभी तक आपके उद्देश्य में काफी ब्लॉकेज आए थे, जो कि आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि गहराई, किसी की गहराई को आप नाप नहीं पा रहे थे, तो इसीलिए आप अपने उद्देश्य से यहाँ पर भटक रहे थे। मुझे एक कमल के फूल की ऊर्जा यहाँ पर नज़र आ रही है, जैसे अब कमल का फूल खिल चुका है, ठीक है, मतलब कमल का फूल यहाँ पर आपका सहस्त्रार चक्र, आपका क्राउन चक्र, ओके, वो एक्टिव यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर आपको काफ़ी डिवाइन ब्लेसिंग्स आएंगी आपके आपके उद्देश्य को पूरा करने में और उसके निकट ले जाने में। पास्ट में आपने काफी चीजों को मिस करा है, काफी चीजें आपसे गलत भी हुई हैं, ठीक है, जिसका पश्चाताप आप कर चुके हो यहां पर, या कोई कोई अभी भी कर रहा है, लेकिन पश्चाताप वो ऐसा नहीं है जिसे आपने कुछ गलत किया है, गलत किया है लेकिन वो किसी का दिल दुखा कर नहीं, वो खुद के प्रति यहाँ पर गलत करा है। तो भुगतान तो देखो अपना करो या दूसरों का करो, भुगतान तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपके आपके कट रही हैं यहाँ पर, ठीक है। कोई आपको बहुत नज़दीक से जानता है, बहुत आपको नज़दीक से समझता है, जैसे कहते हैं ना कि आपकी कोई परछाई बनकर रहता है आपके साथ, और आपको ऐसा फील होता होगा कि आपके साथ कोई परछाई बनकर रहता है, कोई आपको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता है, जैसे कोई चिपका हुआ रहता है आपसे, आपको फील भी होता होगा, ऐसा महसूस भी होता होगा।
थैंक यू यूनिवर्स। किसी कोई कोई यहाँ पर कृष्णा के बहुत आप भजन सुनते हो, म्यूजिक सुनते हो, जिसमें से मुझे एक चैनल सॉन्ग यहाँ पर चैनल हो रहा है, जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। यहाँ पर आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी आपके म्यूज़िक के थ्रू हीलिंग होती है, या हीलिंग हो रही है या आगे होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको गाइडलाइंस दी जा रही है कि आपकी किसी भी तरीके से हीलिंग हो। स्पेशली यहाँ पर मैं म्यूज़िक से देख रही हूँ, आपके लिए बोला जा रहा है कि जिस सॉन्ग को सुनने से आपको आपका दर्द, आपका पेन वो बाहर निकलता है। अगर आप इस चीज़ से भाग रहे हो कि नहीं, ये यहाँ पर इस जगह जाने से या इस पर्सन के मिलने से मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं या घाव मेरे फिर से भरे हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो घाव कभी भरे ही नहीं हैं आपके। ठीक है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको बार बार वो काम करने हैं जब तक कि उन सब चीज़ों से आपको पॉजिटिविटी ना मिलने लग जाए। अगर कोई पर्सन को देखकर आपको गुस्सा आता है, वो घाव हरे हो जाते हैं फिर से, तो मतलब आप अपने उसको माफ़ नहीं करा है, या आप उसे आप जो भी आपके घाव मिले हैं वो हील नहीं हुआ है, वो अभी भी जैसे आपके आपके अंदर बैठे हुए हैं, जो कि आपके उद्देश्य को पूरा होने में बहुत बड़ा आपको बहुत बड़ा आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि ये चीज़ें मेरे से दूर हैं। और वहीं पर यही बात है कि जैसे ही आप अगर उस पर्सन से मिलोगे या ऐसी जगह जाओगे और वहाँ से आपको कुछ भी नहीं है, सिर्फ नॉर्मल हो, सिर्फ पॉजिटिविटी फील हो रही है, मतलब आपने उन सब चीज़ों को लेट गो कर दिया है और आप एक नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए आगे की तरफ बढ़ चुके हो। ठीक है, तो ये उद्देश्य का एक बहुत बड़ी सीढ़ी होती है कि आपने देखो पहले कि जो भी चीज़ें थी, क्या उसको देख कर गुस्सा आ रहा है या प्रेम आ रहा है। ठीक है, अगर इन सब चीज़ों में आप अंतर समझ गए, पहली बात ही समझ गए, तो आपका उद्देश्य कि आप बिल्कुल निस्तिक हो। किसी के घर में बही खाता रखा है, रजिस्टर रखा है और काफ़ी टाइम से आप ढूंढ रहे, तो डोंट वरी, वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कार्ड से देखती हूँ। ओम काली माता नमः, ओम काली माता। ओके, लव एंड पीस। मैंने आपको यहाँ पर डायरेक्टली अभी जस्ट मैसेज देकर इस कार्ड पर मैं यहाँ पर आई हूँ कि जितना आप अपने जिसने भी आपके साथ गलत किया उसको माफ़ कर दो। ठीक है, माफ़ कर दो, क्योंकि यहाँ पर आपकी मदर मेरी की ऊर्जा आई है। आपका पता है उद्देश्य क्या है यहाँ पर? ये डिवाइन यूनिवर्स आपको सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि आप आपके अंदर वो ऊर्जा है जो ईश्वर की हो, आप इंसान रूप में, लेकिन कभी आपने शायद अपने आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो विचार हैं, आपका जो स्वभाव है, कभी आपने दूसरों से मेल खाते हुए देखा है? कभी आप अपने आप को दूसरों से, यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि कंपैरिजन तो करना ही मत, क्योंकि आप जो हो वो कोई दूसरा हो नहीं सकता। मदर मेरी, यहाँ पर आपका जो स्वभाव है वो, जिसे कहते हैं ना कि इंसान के रूप में, यहाँ पर आपका आपका आप बहुत ही ज़्यादा पीस, एक शांति, एक प्रेम, है ना, एक डिवाइन ऊर्जा को लिए बैठे हो यहाँ पर। आपका उद्देश्य आपको जैसे अपने प्रेम से, ठीक है, अपनी ब्लेसिंग से, अपनी बातों से, अपनी ऊर्जा से यहाँ पर वो शांति और सुकून फैलाना है जिसे आपको अब चूज करने की ज़रूरत है। ये आपका उद्देश्य है। ओके, जैसे अमन है ना, अमन यहाँ पर, जैसे हर चीज़ को प्रेम भाव से यहाँ पर देखना। अगर आप अपने आप को दूसरों से कंपैरिजन करोगे, ठीक है, तो कभी आप अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। ये मदर की ऊर्जा है, ठीक है, ये कंपैरिजन करने वाली ऊर्जा नहीं है कि मेरे साथ उसने गलत करा है, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा, ये वो वाली ऊर्जा नहीं है।
ये वो ऊर्जा है जो सबको अपने अंदर समेट कर बैठती है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है, चाहे मतलब खूबसूरत हो या बदसूरत हो, चाहे मीठा हो चाहे खट्टा हो, ये सब समेट के बैठती है। ये ऐसी ऊर्जा है और आपका उद्देश्य यहाँ पर सिर्फ प्रेम और शांति इसे फैलाना है, ठीक है। और आपके लिए बोला जा रहा है कि अब आपको उस पथ पर आपको चलने के लिए आप बिल्कुल रेडी हो, अब आप यहाँ पर तैयार हो। आपका अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप धीरे धीरे आपकी हर चीज़ में चेंजेस आएंगे। आपका रहन सहन, आपकी बातें, आपका बोल चाल, इन सब चीज़ों में आप देखना कि पहले से आप बहुत डिफरेंट चीज़ों को आपकी चॉइस बदल चुकी है। इंसानों के प्रति, खाने पीने, आपके आपके आपकी ड्रेसेस, आपके कपड़े, आपका रहन सहन, ये सब आपका चॉइस, आपका टेस्ट बहुत चेंज हो रहा है। यही सब चीज़ें आपको आपके उद्देश्य की तरफ लेकर जा रही हैं। आपकी आपकी जो ऊर्जा है, बहुत एक ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर आप अपने आप को भली भांति आप समझोगे, ओके। एंड यहाँ पर चैरिटी, माय गॉड, आपका उद्देश्य उद्देश्य सिर्फ यहाँ पर यही है कि आपको प्रेयर में लोगों के साथ ऐसा काम करना जो वो अपनी ज़िंदगी को, जैसे कहते हैं ना कि भाग दौड़ वाली ज़िंदगी से अपने लिए कुछ समय निकालना, ठीक है, अपने लिए कुछ अच्छा करना। यहाँ पर चैरिटी, यहाँ पर आपकी जो आपका जो उद्देश्य है, सिर्फ यही उद्देश्य है कि आप जिसके लिए भी प्रेयर करो, आप अपने आप को इतना मतलब इतना शांति में लेके जाओ, इतना पीस में लेके जाओ कि आप जो भी प्रेयर करो, जिसके लिए भी करो, ठीक है, वो आपके ईश्वर तक, परमात्मा तक पहुँचे, और वो पहुँचती भी है। पाइल नंबर वन, आपका उद्देश्य यहाँ पर यही है, चैरिटी करना, चैरिटी करना। आप जिसके लिए भी दुआ मांगोगे, जिसके लिए भी प्रेयर करोगे, प्रार्थना करोगे, वो आपकी कबूल होगी। वो स्वर्गदूत उस प्रेयर को, प्रार्थना को करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। ये आपका उद्देश्य, अमन शांति पीस में ले जाना, ठीक है, चैरिटी करना, और उसमें आपकी बहुत हेल्प की जा रही है। यहाँ पर चुप वाली ऊर्जा है कि बहुत ज़्यादा आप सबसे पहले अपने आप को शांत करोगे, ठीक है। विजन, यस, अपने अपने आप को शांत करोगे, मतलब यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि अपने आप से कनेक्ट होना, अपने आप से जुड़ना। जो मेरे यहाँ पर मैसेज मिल रहा था कि कोई हर पल आपके साथ रहता है, कोई ऐसा लगता है कि कोई आपको वो जैसे आपकी परछाई, यस डियर, कोई नहीं है, डाउट मत करो अपने ऊपर, वो खुद आपकी ही परछाई है, आपकी ही परछाई है। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो चुका है, हूबहू, जैसे आपका शरीर आपका है और आपकी आत्मा, ठीक है, आपकी सोल आपके साथ यहाँ पर रहती है हर पल हर वक्त। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपका उद्देश्य पूरा करने में आपकी सोल का उद्देश्य है, ठीक है, ये आपका उद्देश्य नहीं है, आपकी सोल का उद्देश्य है, और इसको पूरा करने में आपकी बहुत ज़्यादा आपके स्वर्गदूत आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं। काली माँ की ब्लैसिंग्स हैं आपके ऊपर, क्योंकि आपका जो उद्देश्य है वो यहाँ पर अपने खुद के लिए नहीं है कि मुझे कुछ करना है, ये दूसरों के लिए है। आपका जो उद्देश्य है दूसरों को एक ऐसा सुकून महसूस कराना जो शायद आजकल की दुनिया में आजकल के लोग भटक रहे हैं, शायद उस सुकून को वो महसूस ही नहीं कर पा रहे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ईश्वर का प्रेम, ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर की ब्लैसिंग्स, ये जैसे इससे वंचित हो रहे हैं लोग, इसे महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं।
महसूस कर रहे हैं तो पल दो पल के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपका उद्देश्य यहाँ पर यही है कि अपने आप को इतना इतना भगवान से कनेक्ट करना है ताकि वो जिंदगी भर का जैसे रिश्ता होता है ईश्वर परमात्मा के साथ, वो ना टूटने वाला और ना खत्म होने वाला, एक ऐसा उद्देश्य है आपका, क्योंकि आप खुद ईश्वरी शक्ति हो जिसे एंजल्स हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सोल यहाँ पर अपने लिए नहीं मांग रही है, वो दूसरों के लिए यहाँ पर मांग रही है। ओके, फेथ जो सबसे पहले मैसेज आया था फेथ का यहाँ पर, तो उस चीज को करने की जरूरत है आपको। बस एक ही कमी कर रहे हो आप और वो भी कमी आपकी दूर हो रही है। ओके, इस कार्ड को आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ, कि यहाँ पर वही आ रहा है फॉरगिवनेस। जितना ज़्यादा आप अपने आप को, अगर आपने अपनी सोल को हर्ट करा है, ठीक है, इस चीज़ का मलाल है, इस चीज़ को आप दिलो दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो, या किसी के पेन दर्द को आप निकाल नहीं पा रहे हो, तो बस आप यहाँ से उस चीज़ से निकल रहे हो। ओके, कैंडल वैक्स रीडिंग को फिर से ध्यान से सुनना और तब कार्ड आप देखना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये हार्ट है, ये हृदय है, ये यहाँ पर टूटा हुआ है, रोता हुआ है, और यहाँ से अगर ये इसे नहीं संभाला आपने, अपने आप को नहीं संभाला, अपनी सोल को नहीं संभाला, तो आपका जो प्लस पॉइंट है, आप कौन हो यहाँ पर, आपके अंदर किसका, मतलब आपके हृदय में कौन धड़क रहा है, किसका प्रेम धड़क रहा है? आपके हृदय में परमात्मा का हृदय धड़क रहा है। आपका जो हृदय है, आप ये मत सोचना, आपकी सोल एक ऐसी सोल है बहुत ही एक, जहां पर वो बहुत बड़ा उद्देश्य है उसका, ये एक ऐसा उद्देश्य है आपका कि जहां पर आपकी सोल यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना चाहती है, आपकी आंखें खोलना चाहती है कि जहां से आपको चोट पहुंची है, आपको तकलीफ पहुंची है, ओके, एक्चुअल में रोना वहां नहीं है, रोना अपने ईश्वर के लिए है, अपने परमात्मा के लिए है। यस, और जब तक आप अपने आप को या नहीं पहचानोगे, आप हो कौन यहां पर, रोना ईश्वर के लिए है, परमात्मा के लिए है, और आपकी सोल की सुनो, आपके हृदय की सुनो, और हृदय में आपके तो परमात्मा विराजमान है, उसकी सुनोगे तो रोओगे नहीं, हंसोगे, किसी से मांगोगे नहीं, वो अपने आप मिलेगा, ठीक है, फिर जो चाहोगे, अभी तक जो नहीं है वो सब कुछ आपका होगा और आपके पास में होगा। आपका उद्देश्य सिर्फ चैरिटी करना है, चैरिटी करके अपनी सोल को खुश करना, हैप्पी करना है, और फिर आप यहाँ पर, क्योंकि आपको खुशी वहीं से मिलती है, आपको हैप्पीनेस वहीं से मिलती है, ईश्वर की भक्ति, प्रेम, दूसरों की हेल्प करना, सुकून और शांति, ठीक है, आपको खुशी वहीं से मिलती, यही आपका उद्देश्य है, और इसी को, इसको करने में आपकी सोल बहुत हेल्प करी, क्योंकि ये उसी का उद्देश्य है, और तब आप जो चाह रहे हो वो सब चीज़ें आपको मिल रही हैं। ओके, पाइल नंबर वन, तो पाइल नंबर वन मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर टू, तो जिसने भी ये ऑरेंज कैंडल चूज़ करा है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर टू, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना,
और जिसे भी पर्सनल लिंक चाहिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, पाइल नंबर टू के लिए, सॉरी पाइल नंबर वन के लिए मुझे बहुत एनर्जी लगी, बहुत ही ज़्यादा लगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, ओके, ताकि वो एनर्जी बैलेंस हो जाए। ओके, ग्रेटिट्यूड पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाइल नंबर टू आपके लिए। सबसे पहले मैसेज मुझे यहाँ पर यही निकल रहा है। ओके, पाइल नंबर टू बहुत, पाइल नंबर वन के लिए जितना मुझे लो एनर्जी फील हो रही थी, पाइल नंबर टू आपके लिए उतनी ही मुझे पॉजिटिविटी मिल रही है। बहुत आपकी ऊर्जा एक बहुत सौंधी ऊर्जा है, बहुत सॉफ्ट ऊर्जा है, बहुत एक जैसे मैं कह सकती हूँ कि मुझे एनर्जी मिल रही है यहाँ से। मैं बहुत ज़्यादा लाइट फील कर रही हूँ, जैसे पाइल नंबर वन का, सॉरी मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो सारा रिलीज हो रहा है। पाइल नंबर टू, थ्री नंबर आपके लिए काफ़ी लकी है, ठीक है। तीन नंबर से आपका गहरा रिश्ता नाता है यहाँ पर, और पाइल नंबर टू आपके लिए बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है कि आपको ग्रेटिट्यूड, जितना ज़्यादा आप खुल के ग्रेटिट्यूड पे करोगे, उतनी ही ज़्यादा आपको और ब्लेसिंग्स मिलती चली आएंगी, ठीक है। क्योंकि ये आपका कीवर्ड है ग्रेटिट्यूड, ठीक है। हर चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़ को आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते रहना है। ओके, वो कुछ बेचा आपकी तरफ कोई छोटी सी स्माइल भी कर रहा है तो उसको दिल में बोल दो थैंक यू। ये आपके लिए एक बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि आपका एक यहीं से आपका बहुत चीज़ें खुल रही हैं। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओ गॉड, बहुत जल्दी आपका कोई जैसे आप कोई यूट्यूबर हो और शायद डायमंड बटन की आपको बहुत ज़्यादा मतलब वो लगी हुई है कि मुझे डायमंड बटन कब मिलेगा, तो डोंट वरी, अगर आप वेट कर रहे हो उस चीज़ का तो आपको डायमंड बटन भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। माय गॉड, ये किसकी एनर्जी है। ओके, और यहाँ पर क्योंकि डायमंड की ऊर्जा है यहाँ पर, तो उसको मैं ऐसे भी रीड कर सकती हूँ कि बहुत क्लियरिटी। ओके, तो यहाँ पर आपके दिलो दिमाग में जो भी क्वेश्चन उठ रहे थे, तो उसके सवाल आपको यूनिवर्स देने वाले हैं बहुत क्लियरिटी के साथ, बहुत सफाई के साथ, बहुत सच्चाई के साथ, ठीक है। क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है यहाँ पर, जो मैं ऊर्जा देख रही हूँ आपकी, आपके उद्देश्य के लिए, आपका आपके कन्फ्यूज़न से निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आपका मतलब एक वीक पॉइंट था फंस जाना, दो चीज़ों में फंस जाना, निर्णय डिसीजन नहीं ले पाना, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यूनिवर्स वहीं से निकालेंगे ताकि आप इजीली चॉइस कर सको कि आप अपना, मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ को आप चॉइस नहीं कर पा रहे हो कि एक्चुअल में आपका उद्देश्य क्या है, जाना कहाँ है, क्या करना है, ठीक है। तो यूनिवर्स बस उसकी तरफ ही आपको लेकर जा रहे हैं वहाँ पर, और आपको यहाँ पर क्लियरिटी, जैसे आर पार की ऊर्जा है यहाँ पर, आपको यूनिवर्स बहुत सब चीज़ों से जैसे आर पार आप देख सकते हो, हर किसी की ऊर्जा को आप क्लियरिटी से आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे किसी के लिए कुछ भी आपको जैसे डायमंड क्या होता है, क्रिस्टल क्या होता है, कलर क्या होता है, कांच क्या होता है, जैसे हर चीज़ को वो बहुत इजीली वो रीड कर सकते हैं। एक सच्चाई है, एक प्योरिटी है, ठीक है। तो ये एक ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर, ओके। किसी ने, आपने काफ़ी टाइम पहले किसी को कुछ एडवाइस दी थी या आपने किसी को कुछ बताया था, तो उसने बहुत सीरियसली लिया है, ठीक है। और आपकी वजह से उसकी लाइफ में वो चेंजेस आए हैं, वो बदलाव यहाँ पर आए हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन वो पर्सन आपसे ही डन है, ठीक है। वो आपसे कुछ बताता नहीं है, वो आपकी चीज़ों को सिर्फ महसूस करता है, या आप तक उस वो चीज़ें पहुंचाना नहीं चाहता, या कोई आपसे इस चीज़ को शेयर नहीं करना चाहता, बट डोंट वरी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे कि आपकी वजह से किसी की लाइफ में चेंजेस आए हैं, लेकिन वो आपसे शेयर नहीं कर रहे, आपको बता नहीं रहे, वो हिडन उन्होंने छुपा रखा है। तो कोई बात नहीं, ये यूनिवर्स आपको यहाँ पर आज बता रहे हैं, बहुत बड़ी क्लियरिटी आपको यहाँ पर दी जा रही है, ठीक है।
जो कि यहाँ से आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपका उद्देश्य क्या है। मुझे ऐसा लग रहा आप राह चलते को भी काफ़ी बड़ी बड़ी एडवाइस दे जाते हो, राह चलते को भी आप खुश कर जाते हो, जहाँ से भी गुजरते हो शायद आपकी ऊर्जा ऐसी है कि आपको देखता हुआ कोई निकलता होगा, या कोई जैसे कहते हैं ना कि अगर आप किसी से एक बार बात कर लो या तो वो पलट के आपको ज़रूर देखेगा, या आपकी जैसी आपका जैसा नेचर है, स्वभाव है, ये यूनिवर्स पता नहीं क्यों आपको, शायद इसी से आपको अंदाजा हो जाए कि आपका उद्देश्य क्या है। ओके, अभी कुछ काम आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है, काफी टाइम से आप उसका वेट कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि वो आपका बहुत जल्दी यहाँ पर पूरा हो रहा है। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आप पाइल नंबर टू, आप तो अपने उद्देश्य पर हो ऑलरेडी, आपका जो उद्देश्य है वो उस पर आप चल रहे हो, और आपको खबर नहीं है, शायद खबर हो भी सके, किसी किसी को पता भी है कि आपका उद्देश्य यहाँ पर यही है, लेकिन किसी किसी को खबर नहीं है, जैसे उसे पता नहीं है, बस वो राम धुन में है, राम मस्ती में है, अपनी भक्ति में है। ठीक है, और एक भक्त को शायद उस चीज की पड़ी भी नहीं होती है, वो सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि बस आगे बढ़ने में लगा रहता है, उसको जहां से जो मिल गया वो ले लिया और आगे बढ़ता चला गया। आप मुझे ऐसे बहुत बड़े बहुत बड़ी आपके अंदर एक भक्ति भावना है, ठीक है, जैसे जो दिया है सच्चे दिल से दिया है, सच्चे भाव से यहाँ पर दिया है, फिर उसका कोई लेना देना आप शायद रखते नहीं हो। पाइल नंबर टू, आपका लेना देना आपके आपको सुहाता नहीं है, जैसे कहते हैं ना कि अच्छा नहीं लगता, तो शायद आपकी ऊर्जा ऐसी है क्योंकि आप भक्त सोल हो, तो आपको सिर्फ यहाँ पर देना, आपको देना अच्छा लगता है। यस, और यही आपका आपका सोल पर्पस है, आपका उद्देश्य है यहाँ पर। मुझे होटल के बाहर शायद आप हाँ डिनर करने जा सकते, जैसे हम होटल में जाते हैं तो वेलकम करते हैं ना हमें, वेलकम, मुझे वो पहने हुए जैसे बड़ी सी कैप और बड़े बड़े शूज़ है ना, मुझे ऐसी इमेज पूरी आ रही है कि वैसा कोई सोल आपको वेलकम कर सकती है, कोई बड़ा सा गेट है आपके लिए, गेट खुल सकता है। मुझे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है किसके लिए मैसेज आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपका ये उद्देश्य हो कि आप जो कर रहे हो यहाँ पर निस्वार्थ कर रहे हो, ओके, या जाने अनजाने में जो भी कर रहे हो, तो निश्चिंत रखो आप अपने उद्देश्य के इतने करीब हो, इतने करीब हो कि आपको आपको यहाँ पर हर चीज़ आपकी तरफ आती हुई नज़र आएगी। जैसे वेलकम वाली ऊर्जा है, आपको सब वेलकम कर रहे हैं, जैसे आपका स्वागत किया जा रहा है, ओके, ये क्योंकि आप अपने उद्देश्य पर हो। पाइल नंबर टू, कभी किसी गहराई पर चले जाते हो, कभी कभी बहुत ज्यादा सोच विचार आप करने लगते हो कि क्या कैसे होगा, मतलब होगा कि नहीं होगा, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि किसी भी गहराई को, मतलब आपको वो सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप किसी की गहराई नापने बैठोगे ना तो आप नाप नहीं सकते, क्योंकि आप उतना ही उसमें डूबते चले जाओगे, डूबते 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 ही चले जाओगे, क्योंकि आपकी जो कैपेसिटी, आपकी जो ऊर्जा है वो इस तरह की ही है। जैसे आपको आपको कोई जैसे कहते हैं ना कि प्रेम का या ज्ञान का कोई अंत नहीं होता है, ठीक है, उसे निरंतर बहना ही होता है, बहना ही होता है। अगर आप जानने बैठोगे कि इसके ये चीजें कहाँ खत्म होंगी, तो उसका आपको कोई एंड नहीं मिलेगा, ये एंडलेस है। बहुत कभी कभी बहुत ज्यादा भाव विभोर हो जाते हो आप यहाँ पर, अपने ईश्वर के लिए, अपने परमात्मा के लिए, आप अपनों के लिए, अपने लिए कभी नहीं होते हो, क्योंकि देने वाली भावना है आपकी। ठीक है,
कोई रथ पर सवार होकर, मुझे ऐसा लग रहा है ना, माय गॉड क्या मैसेज है, कोई रथ पर सवार होकर कोई आपकी तरफ बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, जैसे कोई आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है, जैसे आपका उद्देश्य, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका उद्देश्य उस चरण पर या उस सीमा तक पहुँच चुका है कि कोई बहुत बड़ा फरिश्ता या बहुत बड़े एंजल्स आपकी तरफ रथ पर सवार होकर आ रहे हैं और उसका आपको अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है, ओ गॉड, आपकी जो ऊर्जा है वो ऐसी ऊर्जा है कि आपको आप किसी चीज़ को समझना ही नहीं चाहते हो। जैसे एक भक्त तो होता है ना, उसको ईश्वर के प्रेम के अलावा कुछ नज़र नहीं आता है, तो वो और वही सही होता है, सच्चे अगर देखा जाए तो सच यही है, हकीकत यही है। आपका उद्देश्य मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे बहुत अलग हटके है आपका उद्देश्य, जैसे दिख भी रहा है और नहीं भी दिख रहा है, वो ऐसी ऐसी उसमें आप हो, ऐसी अवस्था में हो, ऐसी स्थिति में हो आप यहाँ पर, जैसे चीज़ें हो भी रही हैं, एक नज़र से देखो तो हो भी रही है, दूसरी नज़र से देखो तो नहीं भी हो रही हैं। लेकिन यूनिवर्स आपके लिए काफ़ी योजनाएं बना रहे हैं, काफ़ी वर्क आपके लिए यहाँ पर किया जा रहा है। बीच में एक टाइम पे लिए आपके उद्देश्य पर ब्रेक लगा था, ठीक है, ब्रेक लगा था, शायद आप फोकस नहीं कर पा रहे थे अपने अपने उद्देश्य के ऊपर या आपके सोल मिशन पर, आप जो भी आप नित्य करते थे, मेडिटेशन ध्यान करना है ना, जो भी आपको अच्छा लगता था, जहाँ से भी आपकी सोल हैप्पी होती थी, खुश होती थी, तो वो ब्रेक लगा था एक टाइम पर। काफी नाम जाप आप करते हो, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यहाँ पर लक और भाग्य, ओके, जैसे भाग्य का अब बहुत कुछ भाग्य में है आपके, लेकिन भाग्य में ऐसा है कि मतलब आज कुछ मिल गया और मतलब जो कुछ मिलना है वो इतनी जल्दी नहीं मिल रहा, उसके लिए आपको बहुत तपस्या करनी पड़ रही है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, काफ़ी हार्डवर्क आपको करना पड़ रहा है, तो ये एक ऐसी ऊर्जा है आपके लिए। लेकिन जब सोल मिशन होता है, उद्देश्य होता है, तो इन सब चीज़ों से हमें गुजरना ही पड़ता है, और आपने काफ़ी चैलेंजेस एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आपके आपकी तरफ यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि पेशेंस रखना है, जब तब नहीं रुके आप तो अब क्या रोकेगा कोई आपको यहाँ पर अपने उद्देश्य पर जाने के लिए। एक टाइम पे शायद आपने गिव अप भी कर दिया था कि नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर किसी ने आपको गिव अप नहीं करने दिया। पाइल नंबर 2, आपसे बहुत से लोग ईर्ष्या भी करते हैं, जलन करते हैं, क्योंकि आपके पास वो है जो दूसरों के पास नहीं है। आप बहुत चीज़ों को बहुत गहराई से देखते हो, जानते हो, लेकिन लोगों को क्या चाहिए ना कि तुरंत चाहिए, मेहनत नहीं करना और तुरंत चाहिए, जैसे शॉर्टकट यहाँ पर करना। लेकिन आपका जो स्वभाव है, आपका जो नेचर है, आपको शॉर्टकट से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। आप जब तक किसी की जड़ तक, तह तक नहीं पहुँचोगे, आपको वो चीज़ें करने में मज़ा नहीं आता है। और जब किसी की हम जड़ पकड़ते हैं तो पूरी पिक्चर हमें खुलकर नज़र आती है, और वहाँ से क्या होता है कि सब कुछ हमारे हाथ में होता है। और लोग क्यों ईर्ष्या करते हैं कि आपको इतना ज्ञान, आपको इतनी समझ, आपको इतना पेशेंस,
ये सब कैसे हासिल हुआ, कैसे प्राप्त हुआ, उसके पीछे की वजह ये नहीं देखते कि आप कितना हार्ड वर्क करते हो, कितनी मेहनत करते हो, कितना किसी चीज़ में अपनी एनर्जी लगाते हो आप, ये नहीं देखते हैं। मुझे बहुत आपसे, आप प्लीज़ अपनी नज़र ज़रूर उतारा करो, ठीक है, या हनुमान चालीसा डेली आप पढ़ा करो सुबह शाम, क्योंकि मुझे बहुत गंदी स्मेल आ रही है पाइल नंबर टू, बहुत ही गंदी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको आपको बहुत आपके इर्द गिर्द बहुत आपकी आपकी एनर्जी को सक करने वाली ऐसी सोल हैं, जहाँ पर आपको आपकी आप जो क्रिएट करना चाहते हो, आप जो करते हो, वो मतलब वो चुराने के लिए बैठी हुई रहती हैं। और इसी वजह से जैसे आप अपने उद्देश्य तक जितना आप कर सकते हो उसमें जैसे 100% कर सकते हो, तो वहाँ पर 50% ही आपका वहाँ तक जा पाता है। लेकिन डोंट वरी, ये कोई रीज़न नहीं है कि आपको आपको कोई रोक सकता है, आपको तो कोई रोक ही नहीं सकता। पाइल नंबर टू, आपका जो उद्देश्य यहाँ पर कि लोगों को उनका उद्देश्य याद दिलाना, ठीक है, लोगों को यहाँ पर उनकी सोल के जो उद्देश्य है उनसे कनेक्ट यहाँ पर कराना, जिससे जो सोई हुई सोल है ना उनको जगाना, उनकी अवेकनिंग यहाँ पर कराना, ठीक है, ये आपका उद्देश्य है। और ये जो आपका उद्देश्य है, ये सब चीज़ें ऐसी हो रही है जैसे हिडन हो रहा है, ओके, आप कर भी रहे हो और आपको पता भी नहीं चल रहा है। आपके थ्रू काफी सोल की अवेकनिंग हो चुकी है, चाहे मानो या मत मानो, आप काफी सोल को आपने हंसना सिखा दिया है, जीना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है, एक्शन लेना आपने सिखा दिया है। किसी चीज़ को नाना बोध करते हो आपके, नहीं 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 नहीं, तो ये बात यूनिवर्स को अच्छी नहीं लगती है आपकी, यही बात आपको सिर्फ यहाँ पर बोलना है कि हाँ हम इस काम को कर सकते हैं, मैं इस काम को कर सकती हूँ या मैं इस काम को कर सकता हूँ, सिर्फ आपको इतना बोलना है। थैंक यू। मुझे नमक सा क्यों, नमक, ओके, यस, आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको थोड़ी अपनी क्लींजिंग करने की यहाँ पर ज़रूरत है। नहाते वक्त थोड़ा सा आप अपने पानी में नमक डाल लिया करो, उससे काफ़ी अच्छी क्लींजिंग होगी आपकी, ठीक है, तो यहाँ पर आपको करने की ज़रूरत है। वीक में आप 2 टाइम इस तरह से किया करो। जब भी आप कहीं बाहर से आते हो तो प्लीज़ आप अपने पैरों को जरूर धोया करो, क्योंकि आपकी जो सोल है वो बहुत ही अलग ही एनर्जी को पिक करती है, ठीक है, तो ये आपकी अवेयरनेस के लिए है। यहाँ पर मैं टैरो देखती हूँ, पाइल नंबर टू, ग्रीन तारा माँ, यस, पाइल नंबर टू। मैंने बोला ना आपको, आप एक ऐसी सोल हो जहाँ पर आपके लिए आप अपने सोल को पूरा कर रहे हो। यहाँ पर मुझे मैसेज भी आ रहा था, मदर गाया वाली ऊर्जा है, प्रोटेक्शन, आप अपने उद्देश्य पर हो। मैंने बोल दिया आपको कैंडल लाइट रीडिंग में, आप अपने उद्देश्य पर हो। मदर गाया ने, नेचर ने आपको पूरा प्रोटेक्शन में यहाँ पर डाल रखा है पाइल नंबर टू। और यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि यहाँ पर अभी मैंने मैसेज दिया है कि आपको किसी भी काम के लिए
मतलब आपको ना नहीं बोलना है, आप ना बहुत ज़्यादा करते हो, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, आपको सिर्फ आपकी जो भी आपकी आपने एक बाउंड्री सेट कर रखी है ना वाली, उसे कट कर दो। आप बस ये सोचो कि मैं हर काम को कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अपनी किसी भी बाउंड्री को अपने अपने इर्द गिर्द सेट मत होने दो। यहाँ पर देखो, आपकी अगर आपको ऐसा लगता है, यहाँ पर आया है रीडिंग में हालांकि, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी को सक करता है, कुछ भी करता है, तो थोड़ी क्लींजिंग करो आप यहाँ पर, क्योंकि आपके पास एक ज़बरदस्त, आप एक डिवाइन सोल हो, आपके पास हीलिंग पावर है, आपके पास एक ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर हर किसी के पास नहीं है। आपके लिए आप अपनी खुद की कोई लिमिट सेट मत करो, आपके पास अनलिमिटेड है। ओके, ट्रस्ट करो, अपने ऊपर विश्वास करो यहाँ पर। बस आप आजाद परिंदे हो, आजाद परिंदे। ओके, जैसे आप अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब आप अपने उद्देश्य को बहुत जल्दी पूरा यहाँ पर करोगे। आपका जो उद्देश्य है, जैसे आपके लिए आपकी स्प्रिट यहाँ पर अब रेडी है, यहाँ पर तैयार है, ठीक है, आप पूरी प्रोटेक्शन में हो, डरने वाली कोई बात नहीं है। पर माय गॉड, भोलेनाथ, आपका उद्देश्य, शिव शक्ति, माँ काली, यहाँ पर भोलेनाथ की ऊर्जा है, ठीक है, यहाँ पर आप अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे हो। और आपके लिए ये भी मैसेज है कि जो भक्ति की मैं बात कर रही थी ना, वैराग्य, आपको आज़ादी पसंद है, आज़ादी आपकी सोल को, ठीक है, तो लिमिट मत रखो, सीधा मैसेज है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से सिर्फ मुझे भोलेनाथ से वैराग्य की ऊर्जा नज़र आ रही है। वैराग्य, साधु संत महात्मा, आपके ऊपर भोलेनाथ की असीम कृपा है, इसीलिए आपको प्रोटेक्शन में यहाँ पर डाला गया है। आपको ग्रीन तारा माँ की ब्लेसिंग से, आप ग्रीन तारा माँ का अंश हो, आपको ग्रीन तारा माँ की चैंटिंग करना है, आपको ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करना है, क्योंकि आपको इन दोनों का आशीर्वाद, इन दोनों की ब्लेसिंग से आपकी सोल को यहाँ पर। ओके, और यही आपके उद्देश्य, क्योंकि आप वैराग्य यहाँ पर किसी भी चीज़ को आप बंधना या मतलब कोई आपको बांध कर नहीं रख सकता है, कोई आपकी ऊर्जा को, आपकी सोल को यहाँ पर बांध कर नहीं रख सकता है। आपको उड़ना है अपने उद्देश्य के लिए यहाँ पर, अब आप उड़ान भरने वाले हो, ठीक है, आपकी स्पिरिट यहाँ पर उड़ान भरने वाली है। अब शायद आप चैंटिंग भी करते हो, आप चैंटिंग भी करते हो यहाँ पर, भोलेनाथ आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि अब आपका समय आ चुका है, आपके लिए कॉलिंग आ रही है, ठीक है, कि अब आपको आगे बढ़ना है। ओ गॉड, काली माँ, बस पाइल नंबर टू, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया आपको कि बहुत पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पर फील हो रही है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसा फील होगा कि क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ें निकल के आई हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। फेसिंग फियर, आपका उद्देश्य तक आपको ले जाया जा रहा है, बहुत मेजर चेंजेस, स्पिरिचुअल चेंजेस, आध्यात्मिक यात्रा में आपको बहुत बड़े बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके, पायल नंबर टू, तो पायल नंबर टू मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।